हेलो हिंदुस्तान। तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे हो आप लोग। तो आज आप लोगों को कुछ ऐसे चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आप लोग देख सकते हो और इससे पहले भी देखे हो शायद। आज मैंने कुछ नया दिखाने वाला हूँ। ये भी एक बकरा है जिसका परवरिश बहुत ही सिंपल है और इसको रहने का बहुत ही कोई बड़ा जो चीज़ करना पड़ता है, इनके लिए मेहनत करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं, और बहुत ही सिंपल में रहती है। चलो आपको लोग दिखा सकते हैं गाँव का बकरा किस तरह से रहता है और किस तरह से परवरिश होता है। चलते हैं देखते हैं। ये है गांव के बकरा। कहते हैं सब इधर गांव में सब बोलते हैं कि अगर गुस्से में आ जाए तो ये सांड से भी लड़ सकता है, इनके अंदर उतना पावर है। बट ये कभी लड़ता नहीं, जब ज़रूरत पड़े तो लड़ सकता है। ये बकरा को इतना भी आसान नहीं समझना चाहिए। ये देख सकते हो इनके बदन में बाल कितने लंबे लंबे हैं और पूरे कंधे पे भी बाल है, पूरा शेर के जैसे दिखती है। तो ये देखो, ये हर पत्ता मतलब छोटे छोटे पौधा सब कुछ खा सकता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो ज़्यादा कुछ एक चीज़ खाना है वो कुछ चीज़ नहीं खाना है ऐसा नहीं, ये ज़्यादातर कुछ भी खा लेते हैं, अपने पेट भरने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग देख सकते हो। ये दो बकरा है जो इसके झुंड भी आपको दिखाने वाला हूँ अभी। फिलहाल अभी देख सकते हो आप लोग, झुंड बहुत ही लाजवाब है जब झुंड के साथ में रहते हैं इन लोग, बहुत ही देखने में खूबसूरत है। ये सिर्फ ये क्या है, व्हाइट बकरा है, सादी बकरा है, जो अभी इसके इसमें ब्लैक नहीं मिलेगा आपको, काला नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा सादा ही मिलेगा या थोड़ा सा ब्राउन मिलेगा। तो अभी इसको झुंड के पास अभी लेके जाते हैं, अभी चलते हैं झुंड की तरफ। तो फिलहाल पहले इनको देख लेते हैं, जो ये अभी अलग रहते हैं, रखते हैं इसको झुंड से, क्योंकि झुंड में रहता है तो मार मार बहुत करता है, थोड़ा लड़ाई वड़ाई करता है, इसलिए इनको अलग रखते हैं झुंड से। तो गाइस इतना याद रखना कि बकरे को रखना है वो, तो उनको थोड़ा खुले में उनको खुला रहना पसंद रहता है। अगर इनको जितना बांध के रखोगे तो इतना वो छोटा हो जाता है और उतना मतलब बढ़ता नहीं है और उतना भी स्मार्ट नहीं होता है। तो ये क्या है कि पूरा खुले में जितना रहेगा उतना जल्दी बढ़ जाता है और जितनी जल्दी बड़ा हो जाता है, तो उनको खुला पसंद बहुत है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप उसको खोल दो छोड़ दो तो वो चल जाता है कहीं और वापस नहीं आता है, ऐसा बात नहीं है। अगर इसको 15 दिन 10 दिन अगर आप उसको थोड़ा निगरानी में रखोगे तो फिर वो बाद में फिर वापस आ सकता है। अब चलते हैं झुंड के पास। देखो आप लोग देख सकते हो ये झुंड है, और झुंड को ज़्यादातर जंगल में लेके घूमना पड़ता है, जंगलों में रखना पड़ता है, क्योंकि उनको खाने के लिए बहुत सारे सामान होता है, तो जंगलों में उसकी मतलब की हर चीज़ मिल जाती है, तो उन लोग को खाना मिल जाता है। ये देख सकते हो आप लोग, ये ब्लैक है, ये काली बकरा है और बकरी है, उसका जो ये बेबी है छोटा सा बेबी, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है ना। इधर क्या है, थोड़ा सा फिकर रहता है, वो पाग मतलब जंगली कुत्ता रहता है और थोड़ा जंगली जो स्याल बोलते हैं भेड़िया, वो रहता है, तो वो बच्चे लोग को मार देता है और मार के खा जाता है, तो इसलिए उनके साथ में घूमना पड़ता है। और आप देख सकते हो
ये दो शेर है इधर, इनके घर का दो शेर है, तो ये शेर की जैसा रहता है। बोलते हैं ये भेड़िया को भी नाइट में जब छोटे छोटे मतलब बच्चे के पास भेड़िया आता है तो उनको भी मार के भगा देता है, मतलब ये इतना गुस्सा वाला है, इसलिए उनको एनी टाइम घर पे रखते हैं। देख सकते हो आप लोग, सभी कुछ खा रहा है, छोटे छोटे घास या पत्ता पौधे सब कुछ खा रहा है। ये देखो कितना कितना अच्छा लग रहा है इनका बदन में बाल, जब बदन में पूरा बाल हो जाता है तो देखना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोग देख सकते हो पूरी घेर गया है बाल, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, तो आशा करते हैं, बस सब्सक्राइब कर देना और बस आप लोगों से इतना उम्मीद है। तो चलते हैं दोस्तों, विदाई लेते हैं अगले वीडियो के लिए, अगर अच्छा लगे तो जैसे जिस तरह से पिछले वीडियो में मेरे मेरे जो है आप लोग गोरू वाला वीडियो में, बहुत ही गाय वाला वीडियो में बहुत ही प्यार, बहुत ही ढेर सारे प्यार दे के हमें खुश किया है, इस वीडियो में भी आशा करता हूँ आप लोग बहुत सारे खूब प्यार देंगे। तो चले चलते हैं और आप विदाई लेते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो दिखाने वाला हूँ आप लोगों को केरला कोकोनट के बारे में, केरला जो नारियल है उसके बारे में, जो 4 फुट से 5 फुट के अंदर ही होगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, जो बहुत ढेर सारे नारियल उसमें हुआ है, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लगा देखने में मुझे। तो आशा करते हैं आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आएगा दिखाने में, मुझे जितना मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में उतना मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।